नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। आज का वीडियो कक्षा 11 का जीव विज्ञान पर है। पहले ही हमने बताया है कि कक्षा 11 का जीव विज्ञान का पूरा सिलेबस हमारे इस चैनल से पढ़ाया जाएगा, तो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हिंदी में जो है कक्षा 11 का पूरा जीव विज्ञान हम पढ़ाएंगे, जिसका पहला अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं जो है क्या जीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड। इससे पहले हमने सिलेबस में बताया था कि कक्षा 11 का जो पूरा सिलेबस है वो 5 इकाइयों में कंप्लीट होगा। उसी का पहला इकाई है क्या जैव जगत में विविधता, और उसी का जो है पहला अध्याय है क्या जीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड, इसका भाग एक हम बता रहे हैं। जो भी यहाँ पे हम पढ़ाएंगे उसको ध्यान से समझना है, जो भी हम बोलेंगे उसको नोट्स के रूप में लिखना है। इससे जो है बायोलॉजी आसान हो जाएगा। आप अपने से नोट्स बनाइए और जो भी हम यहाँ पे बोल रहे हैं उसको नोट्स पे लिखिए, जो भी हम यहाँ पे समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। आप जो है बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी आ रहा है, तो उसमें आप 100% यानी कि 100 मार्क ला सकते हैं। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं क्या, तो पहला अध्याय कक्षा 11 का जीव विज्ञान का जो है जीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड। जीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले कुछ हम जीव विज्ञान की बेसिक के बारे में जानते हैं। बेसिक क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहा जाता है। क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है बायो और दूसरा है लॉजी। बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है बायो और दूसरा है लॉजी। बायो एक लैटिन शब्द है, बायो एक लैटिन शब्द से बना है जो है क्या बायोस, बायोस, और जिसका अर्थ होता है लाइफ। क्या? लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लाइफ को हिंदी में कहते हैं क्या जीवन। क्या? जीवन। लॉजी, लॉजी भी एक लैटिन शब्द से बना है, क्या लोगोस, लोगोस, और जिसका अर्थ होता है स्टडी, टू स्टडी, यानी कि इसको हिंदी में कहने क्या अध्ययन। क्या? अध्ययन, यानी कि कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है, इसे ही किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं जीव विज्ञान कहते हैं, यानी कि बायोलॉजी कहते हैं। कह सकते हैं कि जीवन जीवों में होता है और जीवों के अध्ययन करने वाली शाखा को जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। कौन? अरस्तु, इंग्लिश में बोला जाता है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। जीव विज्ञान के जनक को अरस्तु को कहा जाता है। अब थोड़ा सा जानते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएं। तो मुख्य रूप से जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, मुख्य रूप से जीव विज्ञान की दो शाखाएं। एक को कहते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और दूसरे को कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति
विज्ञान। जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में बोला जाता है जूलॉजी, क्या जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को कहा जाता है बोटनी, वनस्पति विज्ञान को बोटनी। जूलॉजी, जूलॉजी के अंतर्गत समस्त जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, समस्त जंतुओं का अध्ययन, यानी कि पृथ्वी पर सभी जंतुओं का अध्ययन करने वाले जीव विज्ञान को जंतु विज्ञान कहा जाता है। और जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है, तो अरस्तु ही है। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया, कहाँ, हिस्टोरिया एनिमेलिया में जो है जंतुओं के बारे में वर्णन किया है, इसलिए अरस्तु को जो है जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो अरस्तु है। अब बात करते हैं वनस्पति विज्ञान के बारे में, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पतियों का अध्ययन, वनस्पतियाँ यानी कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, तो कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी कहा जाता है। इसके जनक कौन है, इसके जनक है थियोफेस्टस, थियोफेस्टस, इसके जनक है थियोफेस्टस। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरियम, क्या, हिस्टोरिया प्लांटेरियम में जो है पेड़ पौधों के बारे में बताया है, इसलिए जो है थियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफेस्टस है। ये बेसिक था, ये यदि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये सभी कुछ जानना बहुत ही आवश्यक है। बेसिक पहले जान लीजिए, उसके बाद से जो है हम इस अध्याय को प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे हमने बेसिक बताया, अब पढ़ रहे हैं क्या, इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं जो है जीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे जीव है क्या, सजीव है क्या, देख लेते हैं सजीव के बारे में। इसमें सबसे पहला हेडिंग होगा क्या, सजीव यानी कि लिविंग, लिविंग। सजीव किसे कहेंगे, तो जो जीव होते हैं स्वप्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है। जीव क्या है, जीव स्वप्रतिकृति, जीव जो है क्या है, स्वप्रतिकृति, जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील, विकासशील तथा स्वनियमनकारी, स्वनियमनकारी, जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक तंत्र है, पारस्परिक तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं, जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं, की क्षमता रखते हैं। हाँ, तो जीव क्या है, तो जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील
तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। स्वप्रतिकृति का मतलब है कि अपनी ही जैसे संतान उत्पन्न करना। जीव जो है, प्रत्येक जीव अपनी ही जैसी संतति उत्पन्न करते हैं। उनमें विकासशील का लक्षण होता है। स्वनियमनकारी, उसमें स्वयं क्रियाएं होती है। जीव शरीर के अंदर बहुत सी क्रियाएं होती रहती हैं। क्या है? इन सभी का एक पारस्परिक तंत्र है और उनमें बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता होती है। जैसे कि गर्मी के दिनों में अधिक गर्मी लगना या ठंडों में, ठंड के मौसम में जो है अधिक ठंड का आभास होना, हवा का तेज चलना जो है, ये सभी क्रियाओं के प्रति जीव अनुक्रिया करते हैं, बताते हैं कि हाँ तेज हवा चल रहा है या अधिक ठंड है, इसके प्रति उन्हें आभास हो जाता है। जीवों में ये सब लक्षण विद्यमान होते हैं। तो कह सकते हैं कि जीव है क्या, सजीव है क्या? तो जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। तो ये क्या है? सजीव की परिभाषा है। अब जानेंगे जीवधारियों के लक्षण के बारे में। क्या जीवधारियों के लक्षण? जीव धारियों के लक्षण, यानी कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो सजीव निर्जीवों से भिन्न होते हैं? सजीव निर्जीवों से किन लक्षणों में भिन्न होते हैं, या सजीवों में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? उन लक्षणों के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं क्या, वृद्धि के बारे में। वृद्धि यानी कि ग्रोथ, वृद्धि यानी कि ग्रोथ। तो सजीवों का वृद्धि एक मुख्य लक्षण है, यानी कि सजीवों में वृद्धि पाया जाएगा। वृद्धि है क्या? तो आकार में बढ़ना या संख्या में बढ़ना या भार में बढ़ना, किसी भी वस्तु के आकार में बढ़ना, आकार में बढ़ना या संख्या में बढ़ना या भार में बढ़ना, भार में बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। यानी कि सजीव जो होते हैं वे आकार में बढ़ते हैं, यानी कि छोटे से बड़े होते हैं। जैसे कि कोई पौधा है, इतना छोटा है आज के समय में, इसको 2-4 महीने बाद देखेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। क्या हो रहा है? आकार में बढ़ रहा है। संख्या में वृद्धि, कहने का मतलब है कि 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से जो है सजीव संख्या में वृद्धि करते हैं। भार में बढ़ना, छोटा था तो उसका भार कम होगा और बड़ा हो जाएगा तो उसका भार बढ़ जाएगा। तो क्या मतलब है कि आकार में बढ़ना, संख्या में बढ़ना और भार में बढ़ना ही क्या है? तो वृद्धि है। लेकिन वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, मुख्य लक्षण है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। विशिष्ट लक्षण क्या है? सजीवों का विशिष्ट लक्षण है क्या? तो वे लक्षण जो सिर्फ सभी सजीवों में पाया जाता हो, केवल सजीव में पाया जाएगा और सभी जीवों में पाया जाएगा, ऐसे ही लक्षण को बोला जाता है क्या? विशिष्ट लक्षण। वे लक्षण जो सभी सजीवों में पाया जाता है, वे लक्षण जो सभी सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं, या कुछ जीव में पाया जाएगा कुछ जीव में नहीं, तो ऐसे लक्षण को विशिष्ट लक्षण नहीं कहा जाएगा। विशिष्ट लक्षण वे होगा जो सभी सजीवों में पाया जाएगा। लेकिन वृद्धि जो है सभी सजीवों में पाया जाता है, लेकिन यदि हम मान ले भार में बढ़ना या आकार में बढ़ना,
तो निर्जीवों में भी, निर्जीवों का भी, कुछ ऐसे भी निर्जीव हैं उसके भार में वृद्धि होती है या उसके आकार में वृद्धि होती है। इसका मतलब है कि निर्जीवों में भी वृद्धि का लक्षण पाया जाता है, अतः यह जो है जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। वृद्धि जो है जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्जीवों में कुछ ऐसे हैं जैसे कि पर्वत, निर्जीवों में कुछ ऐसे हैं जैसे कि पर्वत, रेत के टीले, रेत के टीले, ये आकार में या भार में बढ़ते हैं। जैसे कि इस तरह से पर्वत है, तो क्या होगा, इसकी सतह पर आ करके जो है कण जो होंगे, मिट्टी के कण एकत्र होते रहते हैं और धीरे धीरे इसके आकार में वृद्धि हो जाती है। तो क्या हुआ, इसमें भी वृद्धि हो रहा है, यानी कि निर्जीव कुछ ऐसे होते हैं जिसमें वृद्धि होता है। तो कह सकते हैं कि इस कारण से वृद्धि जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, लेकिन सजीवों में यह वृद्धि पाया जाता है। आप नोट्स में लिखिएगा, कुछ हम यहाँ पे बोलेंगे, जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसको जो है उसके बाद से कुछ बोलेंगे, उसको अपने नोट्स में लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा और यहाँ से समझिएगा। तो लिख लीजिए, हेडिंग बनाना है वृद्धि, यानी कि ग्रोथ, लिखना है सभी जीव वृद्धि करते हैं, जीवों के आकार में, भार में तथा संख्या में वृद्धि होती है। जीवों के आकार, भार तथा संख्या में वृद्धि एक द्वियुग्मी लक्षण है। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। प्राणियों में यह वृद्धि सजीव सीमित समय तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। देखिए क्या है, तो पौधों में जो वृद्धि होता है, पौधों में वृद्धि यह जो है जीवन पर्यंत होता है। कब? जीवन पर्यंत, मतलब क्या, पूरे जीवन भर वृद्धि होता रहता है। पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होता रहता है, लेकिन जंतुओं में क्या है, सीमित समय के लिए होता है, सीमित समय के लिए। जैसे कि मनुष्य में 20 से 25 या 30 वर्ष के बाद वृद्धि रुक जाता है, एक सीमित समय के लिए होता है। लेकिन ऊतकों में वृद्धि करने की क्षमता होती है, जैसे कहीं से कट गया तो फिर से कुछ दिनों बाद वह ठीक हो जाता है। तो क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा जिसके द्वारा कि धीरे धीरे वह स्थान जो है कोशिकाओं से भर जाएगा, यानी कि कोशिकाएं वृद्धि करेंगी, यानी कि कोशिकाओं में वृद्धि की क्षमता रहती है, समाप्त नहीं हुई रहती है। जंतुओं में वृद्धि सीमित समय के लिए होती है, लेकिन पौधों में जो वृद्धि होती है वह जीवन पर्यंत होती है। फिर लिखिए, एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। मतलब क्या, इस पृथ्वी पर दो ही तरह के जीव है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। क्या मतलब, ये एक कोशिकीय जीव है, जैसे कि अमीबा है, इसकी कोशिका में विभाजन होगा तो दो अमीबा बना लेगा। तो क्या मतलब, यहाँ पे इसकी भी संख्या में वृद्धि हुई, यानी कि इसमें भी वृद्धि के लक्षण है। यानी कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। फिर लिखिएगा, यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भी भार में वृद्धि होती है, जैसे कि पर्वत, रेत के टीले वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में यह वृद्धि उनके सतह पर होती है। अभी बताया गया कि निर्जीवों में यह वृद्धि कहाँ पर होती है, सतह पर होती है। फिर लिखिए, सतह पर जो है पदार्थों के एकत्र होने के कारण निर्जीवों में वृद्धि होती है, अर्थात निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अब हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो है
सजीवों का लक्षण है, एक लक्षण है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे हमने वृद्धि को खूब अच्छे से समझाया, इसको जो पढ़िए नोट्स बनाइए। अब दूसरा लक्षण हम देखते हैं जो क्या है, जनन। दूसरा लक्षण क्या है तो जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। जनन देखते हैं, जनन है क्या? तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है, जितने भी जीवधारी है, उनमें अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। यानी कि जीवों द्वारा अपने ही जैसा नया संतति उत्पन्न करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार से होता है, जीवों में जनन दो प्रकार से होता है। ये तो बात है क्लास 12 का 12 का, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस में, तो यहाँ पे भी बता देते हैं। एक है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसको कहेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि समस्त जीवधारियों में दो तरह का जनन पाया जाता है, एक है अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, तो जब एक ही जीव नई संतति उत्पन्न करती है, नई संतति यानी कि संतान बनाती है, उत्पन्न करती है, तो उसे ही कहते हैं क्या, अलैंगिक जनन। जैसे कि कोई एक जीव है और यह जो है दो नया जीव बनाया, तो कह सकते हैं एकल ही जीव है, एकल ही जनक है, और जो नई संतति उत्पन्न किया तो इसे ही कहेंगे क्या, अलैंगिक जनन। जैसे कि अमीबा है, पैरामिशियम है, युगलीना है, ये क्या करते हैं, तो अलैंगिक जनन कहते हैं। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। इसमें क्या होती है कि दो जनकों की आवश्यकता होती है, कह सकते हैं कि दो विपरीत जनकों द्वारा उत्पन्न संतति। दो विपरीत जनकों द्वारा उत्पन्न संतति किसकी देन है, तो लैंगिक जनन की देन है। यानी कि कह सकते हैं लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है, एक को नर कहते हैं और दूसरे को जो है मादा कहते हैं। जीवों की कोशिकाओं में विभाजन होता है, तो इसी में क्लास 11th का ही एक चैप्टर आएगा कोशिका विभाजन, वहाँ पे हम विस्तार से बताएंगे। यहाँ पे समझने के लिए बता रहे हैं कि जीवों की कोशिकाओं में विभाजन होता है, दो तरह से विभाजन होता है, एक को कहते हैं समसूत्री विभाजन और एक को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है, तो लैंगिक भागों में होता है, जो लैंगिक भाग होते हैं वहीं पे जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे कि नर भाग और मादा भाग जो है किसी भी जीव का लैंगिक भाग होता है, और यहाँ पे जो कोशिका विभाजन होगा वह क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या है कि जो कोशिका होगी अगली उसकी संतति में आधा ही भाग जाएगा, यानी कि
ये एक कोशिका है और इसका अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो मान लेते हैं कि मनुष्य की कोशिका है तो इसमें 46 गुणसूत्र है, तो इससे जो सूत्री पुत्री डॉटर सेल बनेगा उसमें 23 गुणसूत्र ही जाएगा। तो ऐसे ही विभाजन को बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे नर में विभाजन होता है नर भाग में, तो बनता है नर युग्मक, नर युग्मक। और मादा भाग में विभाजन होता है तो इससे बनता है क्या, मादा युग्मक, मादा युग्मक। देखिए मनुष्य को ले लेते हैं, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, कितने तो 46 गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ पे विभाजन होगा अर्धसूत्र विभाजन, तो 23 गुणसूत्र जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 23 गुणसूत्र हो जाएगा। उसके बाद से जो है नर युग्मक को जो है शुक्राणु कहा जाता है, क्या तो शुक्राणु। और मादा युग्मक को जो है अंडाणु कहा जाता है, अंडाणु, नहीं कि स्पर्म एंड एग्स। तो इसके संयोजन से युग्मनज बनता है, युग्मनज यानी कि जाइगोट, जाइगोट। और इसके विकास से जो है शिशु की उत्पत्ति होती है, यानी कि नई संतति की उत्पत्ति होती है। तो जब वह जनन जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता हो संतति उत्पन्न करने के लिए, ऐसे ही जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। तो समस्त जीवधारियों में दो तरह का जनन पाया जाता है, एक है अलैंगिक जनन और दूसरा है क्या, तो लैंगिक जनन। लेकिन जनन भी जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों, जनन भी जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। अभी हमने बताया कि जब कोई लक्षण सभी जीवों में पाया जा रहा हो वही जीवधारियों का विशिष्ट लक्षण होगा, कुछ जीवों में पाया जाए कुछ में नहीं पाया जाए तो वह विशिष्ट लक्षण नहीं होता है। तो ये विशिष्ट लक्षण क्यों नहीं है, तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, जैसे कि खच्चर, जैसे कि क्या खच्चर। उसके बाद से बंध्य कामगार मधुमक्खी, बंध्य कामगार मधुमक्खी और क्या बंध्य मनुष्य, बंध्य मनुष्य, इनमें जो है संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। जो खच्चर होते हैं उनमें भी संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। बंध्य कामगार मधुमक्खी, जैसे कि मधुमक्खियों में तीन भाग होते हैं, एक को रानी कहा जाता है, एक को ड्रोन कहा जाता है और एक को बंध्य कामगार मधुमक्खी। तो जो बंध्य कामगार मधुमक्खी होते हैं इनमें भी संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। उसी तरह से बंध्य मनुष्य, बंध्य मनुष्य भी संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि सभी जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, यानी कि जनन की क्षमता नहीं होती है। इसलिए जनन भी जीवधारियों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। यहाँ पे लिखिएगा, जनन सभी जीवों का अभिलक्षण है, जनन सभी जीवों का अभिलक्षण है। बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन होता है, इसका अर्थ है अपने ही समान उत्पन्न करना। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं, जैसे कि अमीबा, कवक। कवकों में लाखों बीजाणुओं द्वारा इनकी संख्या में वृद्धि होती है। तंतुवत शैवालों तथा मांस प्रोटोनिमा विखंडन द्वारा गुणन करते हैं। ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। अब जो है यहाँ पे जान लेते हैं मुकुलन द्वारा जनन है क्या, मुकुलन द्वारा जनन। मुकुलन, इसको जो है इंग्लिश में बडिंग कहा जाता है, बडिंग।
और इसमें क्या होता है कि जीव का शरीर के किसी भी भाग से छोटा सा उभार निकलता है। मान लेते हैं कि ये इष्ट है, क्या है, इष्ट है, और इसके शरीर से जो है छोटा सा उभार निकलता है, इसको जो है मुकुल कहा जाता है, मुकुल यानी कि बड। और यही वृद्धि करके जब वैसे ही नया इष्ट बनाता है, वैसा ही नया जीव बनाता है, तो इस तरह के जनन को बोला जाता है क्या, मुकुलन। जैसे कि हाइड्रा हो गया, इष्ट हो गया, इष्ट हाइड्रा में जो है मुकुलन पाया जाता है। इष्ट हाइड्रा जो है, और भी बहुत सारे जीव हैं जिसमें कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। एक जीव है प्लेनेरिया, क्या, तो प्लेनेरिया 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 में जो है जनन पुनरुद्भवन द्वारा होता है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन, द्वारा अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। अब ये पुनरुद्भवन है क्या, जैसे कि प्लेनेरिया का यहाँ पे एक फिगर हम बना देते हैं। ये जो है एक प्लेनेरिया है। अब किसी भी कारण से इसके शरीर का अंग कहीं से भी कट जाए, कहीं से भी कट जाए, मान लेते हैं यहाँ से कट गया, और वह कटा हुआ भाग जो है फिर से वैसा ही नया प्लेनेरिया बना लेगा, तो इस तरह के जनन को बोला जाता है पुनरुद्भवन। जैसे कि आप देखे होंगे छिपकली की पूंछ कट जाती है कभी कभी, और कुछ दिनों बाद फिर से वो पूंछ दिखाई देने लगती है। किस कारण है, पुनरुद्भवन के कारण, यानी कि छिपकली में भी पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, लेकिन सबसे अधिक पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है वो प्लेनेरिया में होती है। नीट के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसमें कि क्या है प्लेनेरिया पुनरुद्भवन होता है, पुनरुद्भवन पाया जाता है, तो वो जीव है कौन सा, प्लेनेरिया। तो लिखिएगा प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन द्वारा जनन होता है। फिर लिखिए कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं, जैसे कि खच्चर, बंध्य कामगार मधुमक्खी, अनुर्वर मानव युगल। इस प्रकार जनन भी जंतुओं का विशिष्ट लक्षण नहीं है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा कोई भी निर्जीव जनन करने में सक्षम नहीं होते हैं, यानी कि निर्जीवों में जनन की क्षमता नहीं होती है। तीसरे लक्षण के बारे में दो हो गया, पहला था क्या, वृद्धि, और दूसरा था जनन, तीसरा है उपापचय। उपापचय तीसरा, इसको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ठीक। उपापचय है क्या, तो जीवों की कोशिकाओं में या जीवों के अंदर जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसी को जो है बोला जाता है उपापचयी क्रियाएं, यानी कि मेटाबॉलिज्म, यानी कि जीवों के अंदर होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को ही कहा जाता है उपापचयी क्रियाएं। और ये जो उपापचय है जीवों का विशिष्ट लक्षण है, कौन सा लक्षण, विशिष्ट लक्षण, ये केवल सजीवों में ही होता है और सभी सजीवों में होता है, क्योंकि सभी सजीवों का शरीर कोशिका से बना है और कोशिका में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं क्या है, उपापचयी क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे हमने तीन लक्षण बताया, एक था वृद्धि, दूसरा है जनन, और तीसरा है उपापचय, जिसमें वृद्धि और जनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, लेकिन उपापचय जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। तो इसमें लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा उपापचय तीसरा नंबर, और लिखिएगा हमारे शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं,
किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती है। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रिया प्रदर्शित हो सकती है। जैसे जीव शरीर के बाहर परख नली तथा पात्रे में एकाकी उपापचयी क्रियाएं, यानी कि आइसोबोलिक मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इन विथ ड्रॉ, ये क्या है, जैविक नहीं है। यद्यपि ये निश्चित ही जैविक क्रियाएं हैं, अतः उपापचयी क्रियाएं निरपवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमने तीन लक्षणों के बारे में बताया, वृद्धि, जनन और उपापचय। आगे के लक्षणों के बारे में हम अगले भाग में चर्चा करेंगे, इस भाग में इतना ही रहने देते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।